हाँ जी, तो अभी मैं सो के उठाऊं और जो मेरा वीडियो है ना उसको मैंने रात में ही एडिट कर लिया था और उसको शेड्यूल वगैरह करके मैं आराम से सो गया था। अभी देखो मैं 9 बजे सोकर उठाऊं एकदम आराम से, क्योंकि आज कोई काम नहीं था सुबह उठकर, रात में मैंने अपना सारा काम निपटा दिया था। तो पापा दादा का कॉल आया था, उनको जाना है आज बारोईपुर, वो कैनिंग के साइड पड़ता है जहाँ पे सुंदरवन जाया जाता है ना, जैसे उस एरिया में पड़ता है, काफी दूर है, 25 किलोमीटर के आसपास होगा शायद, तो वही उसी साइड कैनिंग साइड ही उनको जाना है कहीं पे। तो मैं बोला चलो मैं भी चलता हूँ वहां जाकर, कोई अच्छा अगर वीडियो बन जाता है तो क्या ही कहने। तो वही अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, वो हाफ एन आवर में आ जाएंगे। वैसे मम्मी बगल में ही बैठी हुई है, तब से मेरा बात सुनने जा रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। वैसे मम्मी चाय बनाकर कर दी है रेडी, जा रहे हैं वही चाय पीने के लिए। चाय पीकर रेडी होकर मैं निकल जाऊंगा। वैसे मम्मी ब्रेकफास्ट बनाई हो कि नहीं? कुछ बनाया ना, रात का सब्जी था पनीर वाला, रोटी बना दिए है। जैसा कि आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल मम्मी बनाई थी मेरा फेवरेट पुलाव और पनीर। अभी मैं एकदम अलग से ही जगह में हूँ, आपको थोड़ा माहौल देखकर भी पता चल रहा होगा। आज हम लोग पूरा रेनकोट वगैरह लेकर आए हैं पूरा, अगर बारिश होता भी है पूरा जुगाड़ है मेरे पास। धूप काफी तेज है, आपको दिख भी रहा होगा मेरे आंखों से, तो चलो निकलते हैं। सारा काम हो गया है कंप्लीट, कैनिंग क्या नहीं जाना पड़ेगा फिर? नहीं होगा ना, ठीक है। हम लोग कैनिंग जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया। अभी हम लोग को रास्ते में ऐसा एक झालमुड़ी का दुकान दिख गया। टू टॉप मिस्टी का उसमें छोला और चना दोनों ही है। तो अभी हम लोग का सारा काम हो गया है कंप्लीट और अभी हम लोग आ गए हैं टेंगड़ा में, और जो कोलकाता से उनको पता होगा टेंगड़ा मतलब चाइनीज फूड के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे एक से एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। प्लान हो रहा है जाने का अभी, एक गोल्डन जो है और दूसरा बीजिंग है। क्या लगता है पपीता कहाँ जाना ठीक रहेगा? देखो गोल्डन जो भी जा सकते हो, सामने बिग बॉस है, बिग बॉस भी जा सकते हो, सामने बेजिंग है, बेजिंग भी जा सकते हो। तो चलो एक काम करता है, गोल्डन जॉय चलता है, मैं अभी कभी गया नहीं हूँ, आप गए क्या गोल्डन जॉय? तो चलो गोल्डन जॉय में पापा ही तक गए हैं, तो खाना अच्छा है ना? खाना बहुत अच्छा। तब और क्या चाहिए, तब हम लोग गूगल में क्यों सर्च कर रहे हैं जब सामने ही में गूगल खड़ा है। तो चलो एक ही बार इस वीडियो को कंटिन्यू गोल्डन जॉय से करते हैं। मैं इधर आया हूँ, ये बीजिंग है, ये भी यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा है। बुग्गी की मम्मी का बर्थडे था, वही सेलिब्रेट करने हम लोग आए थे। सबसे अच्छी बात यहाँ पार्किंग भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा देख लो पूरा पार्किंग है, कार का भी पार्किंग है वहाँ पे। अभी हम लोग अंदर तो आ गए हैं लेकिन इतना भीड़ है पूरे रेस्टोरेंट में, और ये अंदर से थोड़ा चाइनीज एम्बियंस नहीं है, ये थोड़ा होटल टाइप का एक लग रहा है ना। ये मेन्यू देख रहे हैं अभी हम लोग, काफी एक्सपेंसिव दिख रहा है सब कुछ, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं ट्राई करते हैं, बताते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने ये चिली गार्लिक फिश मंगवा लिया है, मैंने सुना यहाँ का काफी अच्छा होता है। भाई साहब देख कर तो एक नंबर लग रहा है। मैंने लाइफ में बहुत सारे चिली फिश खाए हैं, इसका बात ही अलग है। भाई साहब इनका ये चिली गार्लिक फिश तो एक नंबर है, बहुत अच्छा है, तीखा चटपटा अच्छा है, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ इसको जरूर ट्राई करना। हम लोगों ने हाफ प्लेट लिया है, हाफ प्लेट में 7 पीस रहता है, फुल प्लेट में 14 पीस। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया स्टार्टर्स में, ये चिली फिश तो एक नंबर है पापा इधर, बहुत अच्छा है ये। अभी हम लोगों ने ये बारबेक्यू चिकन भी ऑर्डर कर लिया है, ये भी मैंने सुना है काफी अच्छा है। एक तो सबसे पहले हल्का सा क्रिस्पी है, टैंगी है, स्पाइसी है, बेस्ट है यार बेस्ट। यहाँ पे सभी के सभी ड्रिंक लेकर बैठे हैं, हम लोगों ने भी अपना ड्रिंक मंगवा लिया है। बाकी भाई खाना तो एक नंबर है, इनका कितना तारीफ करो उतना कम है। हाँ अभी हम लोगों ने ये मेन कोर्स मंगवा लिया है, नूडल्स है और साथ में ये क्या था, ऑयस्टर सॉस चिकन है, ये देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है। पापा जी आपको ऐसे ही नूडल्स पसंद है ना? तो देख लो यही बने वाला है हमारा आज का मेन कोर्स। भाई अच्छा हुआ हम लोगों ने एक नूडल्स बोला, दो मंगाते ना तो पक्का हम लोग खा नहीं पाते। मैंने कोलकाता में बहुत अच्छा अच्छा नूडल्स ट्राई करा है, इसका बॉस बात ही अलग है। ये ऑयस्टर सॉस चिकन, इसके साथ कोई अगर चिल्ली वाला आइटम होता ना
बेस्ट लगता है और क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है। पापा इधर कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन स्टार्टर इतना हैवी खा लिया ना, पेट भरा भरा लग रहा है और नूडल्स भी तो कितना बड़ा बड़ा है। चलो खा के मिलता हूँ, टोटल बिल दिखाता हूँ बिल कितने का आया। लेकिन एक चीज है, जो चाइनीज फूड आज खाने का मन कर रहा था 1110 रुपए, और हम लोगों ने कुछ बच गया था उसको पैक करवा लिया है, तो कंटेनर का भी 10 रुपया है ये पैक करवा लिया है। बाकी सबका रेट देख लो आप लोग। अभी हम लोग निकलते हैं घर के तरफ। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, मेन कोर्स से अच्छा मुझे यहाँ का स्टार्टर्स बहुत अच्छा लगा जो हम लोगों ने ट्राई किया, बारबेक्यू चिकन और एक क्या था, चिली गार्लिक। तो बहुत दिनों बाद ये वाले रास्ते से हम लोग घर जा रहे हैं। ये एमजी रोड है बाय द वे, और ये मेरा कॉलेज देख लो, वो जो पार्ट देख रहे हो ना वो मेरा कॉलेज है, कभी सामने से भी दिखा दूंगा मैं। ये जो देख रहे हो ना ट्रैक, यहाँ पे ट्रैम चलता है। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूँ और ये मैंने मम्मी के लिए भी पैक करवा लिया है। तो लो मम्मी, वैसे मम्मी को राज कचौड़ी बहुत पसंद है, वो भी खास करके बड़ा बाजार के तिवारी का। वैसे मम्मी ये वाला जो राज कचौड़ी है तुम तो बहुत पहले से खा रही हो ना? पहले से, उस समय जानते हो कितना दाम था, जब से खाते हैं, पहले 7 रुपया तब 13 रुपया तिवारी का, तिवारी इतना कम? हमेशा तो हम लोग जाते ही रहे, जब भी बड़ा बाजार जाएंगे तो तिवारी का होटल का ही नाश्ता करके आएंगे। जो लोग कोलकाता से नहीं हो, बाहर से आ रहे हो कोलकाता फर्स्ट टाइम, और अगर आप लोग को अच्छा राज कचौड़ी चाहिए या फिर अच्छा चाट का कोई आइटम चाहिए, जैसे समोसा हो गया, कुल्फी, यहाँ का कुल्फी भी बहुत फेमस है, और वो जो जगह है ना कलाकार स्ट्रीट उसको बोलते हैं, जहाँ पे वो है पोस्ता बाजार भी बोला जाता है उसको, वहाँ पे मैक्सिमम आपको चारों ओर वेज खाना ही मिलेगा, नॉन वेज काफी मुश्किल से मिलता है वहाँ पे, खाली नहीं मिलेगा वहाँ, हमेशा भीड़ ही रहता है। जिन लोगों को नहीं पता राज कचौड़ी कैसा होता है तो देख लो। अब ये जो अलग से चटनी है और साथ में अभी दही डालेंगे, ये दही भी है। स्वाद थोड़ा भी नहीं बदला है एकदम, पहले ऐसा ही है। तिवारी ब्रदर्स जो है अपने क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है, जितने बार भी खा लो हमेशा एक ही टेस्ट मिलेगा आपको। देखो, अच्छा मैंने वीडियो में बोला था ना कि पेटीज खत्म हो गया, देख लो दीदी भिजवा दी वापस से। मुझे मीठा चनाचूर पसंद है, चनाचूर बोले तो मिक्सचर। तो अभी एक काम करता हूँ, ये वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको एकदम बढ़िया वाला इंडो चाइनीज खाना खाना है तो आप आंख बंद करके, नहीं आंख बंद करके कैसे जा पाओगे, आप कैब बुक करके या फिर बाइक से या फिर बस से जैसे भी जा सकते हो, आप गोल्डन जो है चले जाना, एक नंबर खाना मिलेगा। स्पेशली मुझे उनका स्टार्टर्स बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ मैंने देखा मैक्सिमम लोग ड्रिंक कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया एकदम खुल के। जहाँ भी मैं कुछ बोल रहा था ना तो सभी मुझे देखने लग रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पे काफी कम व्लॉगिंग किया। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी फैमिलीज नहीं थी, काफी सारे फैमिली मेंबर भी आए थे। इनफैक्ट एक जो फैमिली आया था ना वो मेरे सब्सक्राइबर निकले और वो लोग मिलने भी आए थे मुझसे, तो ऐसा बात नहीं है, अंदर काफी सारे फैमिलीज मैंने देखे। बाकी वो ऑयस्टर सॉस वाला जो चिकन था वो मतलब ठीक ठाक सा लगा, क्वांटिटी उसका काफी अच्छा था। तो अभी एक काम करता हूँ, ये वाले वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ। होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।